हेलो, माय नेम इज अध्याय कपूर। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं दंगल में ऋषा मैम और खाना खाती है और सब कुछ डांस भी कराती है। ऋषिता बार बार। माय नेम इज सकायरा शर्मा। आई एम अ गर्ल। आई एम 4 years old। I study in Prep A. My school name is God International School. Thank you. हेलो दोस्तों, आज हम गैदर हुए हैं। किस चीज के लिए गैदर हुए हैं इनमें से बच्चे सारे बताएंगे। तो कौन पहले बताएगा? सबसे पहले इसने बताया है। तो हम क्यों गैदर हुए हैं ये गन्नू बताएगा। अपना नाम बताओ और बताओ क्या उस तरफ देखो। माय नेम इज गंधर्व सनोत्रा। माय नेम इज गंधर्व सनोत्रा। तो यहाँ किस लिए आज हम आए हैं? हम ताशी की, ताशी आज कनाडा आ रहे हैं, इसलिए हम आए इससे मिलने। तो आई गेस आपको धीरे धीरे समझ आ रही होगी कि ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस क्या है। तो आगे किसी को बात पता है कि हम यहाँ गैदर क्यों हुए हैं? तो अब ताशी से बात करते हैं। ताशी बताएगा कि आज हम यहाँ क्यों गैदर हुए हैं। नाम बताओ अपना। मेरा नाम है अध्याय कपूर। हम यहाँ पर इसलिए गैदर हुए हैं क्योंकि मेरे पापा जा रहे हैं कनाडा। हम उनको गुड लक, यहाँ सब गैदर हुए हैं। तो अब वीडियो का क्लियर पर्पस धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। तो बाकी बच्चों से बात करते हैं, वो क्या बेस्ट विशेस देना चाहेंगे तरुण कपूर जी को। माय नेम इज गौरव भारद्वाज। यहाँ हम इसलिए गैदर हुए हैं क्योंकि तरुण मासू ने अपना एग्जाम क्लियर करा है और वो कनाडा जा रहे हैं। क्या बोलो? मेरा नाम एकम है। क्या है? एकम। जोर से बोलो, जोर से। मेरा नाम एकम है। कहाँ से आए हो आप? तो चलो एक बात तो कंफर्म होगी, ये बच्चा घर से आया है, बाकी सब रोड से आए हैं। ठीक है जी। तो बाकी और कौन सा बच्चा आया अपने घर से? अच्छा चलो, लास्ट रूपाशी रह गई है। रूपाशी गुड लक बोल देगी तरुण जी को। गुड लक। ठीक है, जिसके लिए बोल रहे हैं वो कहाँ गए भाई साहब? आइए तरुण जी, आप भी दो शब्द बोलिए बच्चों के लिए। इन्होंने आपको बड़ी बेस्ट विशेज प्रोवाइड की हैं। इन बच्चों की तरफ से मैं बोल देता हूँ, सब बच्चे आज गैदर हुए हैं नंबर वन केक खाने के लिए, और दूसरी चीज़ आपको बेस्ट विशेज देने के लिए। इनको ये पता चला कि आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और आप जो है कनाडा जा रहे हैं। तो दिस इज़ वन थिंग। अब कल कोई बच्चे बड़े होंगे तो ये बोल पाएंगे जी वो हमारे मासूम हैं, वो कनाडा से जो है हमें फ़ोन करते हैं। तो इनके लिए भी आप एक इंस्पिरेशन बनने जा रहे हो। तो आप बताइए सबको, इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल के लिए। गौरव, कम खाना, कम पॉटी जाना, ठीक है, अपनी डाइट मेंटेन रखना, एंड गॉड ब्लेस यू। एंड गंधर्व, गन्नू, पहले पूरे दांत ले आओ फटाफट, ठीक है ना? कौन सी क्लास में आप? सेकेंड। और दीदी के स्कूल में हो आप? तो दीदी को तंग मत करना, और दीदी को ना बुलाना पड़े आपकी मैम को बार बार कि भैया गंधर्व वैसे कर रहा है, गंधर्व वैसे कर रहा है। शैतानियाँ कम करना स्कूल में।
और डब्लू अमेजिंग डांसर, थैंक यू करिए, थैंक यू सो अमेजिंग डांसर। और शामक दावर ज़रूर ज्वाइन करना, पापा के डंडे मार के या झाड़ू मार के जैसे मर्जी। अच्छा तो अच्छी डांस क्लासेस ज्वाइन करना, वेरी गुड। और अध्याय आपको तो मैं देख लूँगा, एंड गुड। आप अपने भाई का ध्यान रखना और अपने मॉम डैड का भी ध्यान रखना। थैंक यू फॉर योर विशेस। अच्छा जिशु, आपको स्विमिंग अच्छी लगती है? हैं, आपके घर के पास है स्विमिंग है? पापा झूठ बोलते हैं, पापा को बोलना पैसिफिक लेके जाएंगे आपको, ठीक है? क्या बोलोगे आप? हाँ जी, पैसिफिक लेके जाएंगे आप, वहाँ स्विमिंग करना, ट्राई करना, ठीक है? मैं चाहूँगा आप दो शब्द आरना के लिए भी बोल दीजिए, क्योंकि आरना भी आपको अपनी बेस्ट विशेस दे रही है। सो आरना इज वंडरफुल, मतलब ब्लेसिंग है हमारी फैमिली में ऑफकोर्स। और आई'd लाइक टू से कि गॉड ब्लेस हर, एंड आई एम श्योर कई बार मिलेंगे हम। जब मैं बाहर होऊंगा तो होपफुली नथिंग टू क्राई, वी आर गोइंग फॉर बेस्ट, होपफुली सून मिलेंगे हम। थैंक यू। सारे जने इधर आ जाओ, होपफुली जरूर मिलेंगे। अभी चले है? अभी चले कि जो जो अभी इस टाइम यहाँ पे अपनी जो जो लोग इस टाइम पे यहाँ पर अभी हैं, जिन्होंने अपनी वैल्यूएबल प्रेजेंस यहाँ पे दी है, उनमें से कोई भी यहाँ पे आना चाहे और बेस्ट विशेस तरुण जी को देना चाहे तो उसके लिए वेलकम्ड है। तो उनके जिगरी दोस्त जो जो हैं वो आ जाएं सबसे पहले। सो इट्स बीन अ ब्लेसिंग यार कि तरुण, मतलब जीजा का एक भाई मिला था अपने को यार, एंड यू नो मतलब जिस ही इज बीइंग अ भाई, एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू हिम कि कनाडा का विजिट हमारा भी लगता रहेगा, सिंस एक भाई हमारा जा रहा है। तो डजंट मैटर जो भी हुआ, साथ आ जाओ यार आप, हटो मत, जरूरी है, ये भी जरूरी है, ठीक है? सो ही इज अ ब्रदर, ठीक है? एंड ये मिलते रहेंगे जिया जी, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दूर नहीं जा रहे, सिंस अपना भी वापस आ जाएंगे। आई एम वेरी मच श्योर कि 2-2.5 साल के अंदर अपना अच्छा और बना के जिया जी वापस आने वाले हैं कि दो नहीं, ऑब्वियसली जिया जी जा रहे हैं तो अपना भी घूमना फिरना मतलब होगा, घूमना फिरना तो डेफिनेटली होगा। नैनीताल, नौकुचीताल बहुत हो गया, कैनेडा भी डेफिनेटली होगा, ठीक है? तो जिया जी अपने को मिलेंगे, एंड दीदी है हमारी, मतलब साँझ जा रही है, तो ऑब्वियसली मतलब मिलना मिलना जुलना होता रहेगा। 7 साल हो गए चेतन की शादी को और आज तक हम कभी गए नहीं बाहर। 6 साल 7 साल हो गए, 7 साल हो जाएंगे, 7 साल अब डाउरी क्लेम नहीं कर सकती चेतन, नहीं नहीं 7 साल हो जाएंगे। और हमें टल्ले देता रहा 7 साल तक कि मैं पहाड़ों पे लेके जाऊंगा, अपने गांव घुमाऊंगा, बट गांव का नाम बताया था पता नहीं, चौखटिया जो भी, वो चौखट तक नहीं देख पाए हम तो उम्मीद है कि यार ये ऑब्वियसली ये मतलब जो है छोटी सी बात है, ये चौखट देखने की है, जो चौखट इन्हीं का है अपना है, ठीक है? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि देखना, मतलब दैट बिलोंग्स टू तरुण जिया जी ओनली। तो ऑब्वियसली कैनेडा वेडा घूमना होगा वापस, 2-2.5 साल के अंदर रिटर्न डेफिनेटली मारेंगे, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। तो उसके बाद चौखट भी दिखाएंगे। सो हमारी बेस्ट तिगड़ी आ चुकी है और तिगड़ी में से जो सबसे शर्मीले पर्सन है उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे। आई विल मिस तरुण अ लॉट। अब मुझे अकेले बैठ के पीनी पड़ेगी कभी को है? नहीं नहीं साथ, सीरियसली आई विल मिस अ लॉट, आई एम टेलिंग यू। सो अमेजिंग साथ रहा और प्रवीण जी जो का और चेतन का,
वी एंजॉयड चेतन थोड़ा हमारा एज यूजुअल बट इवन देन हाँ क्लैपिंग फॉर चेतन. हालांकि दिल्ली आया नहीं दारू पीने, हमें आना पड़ा और ऐसी ऐसी घटिया घटिया जगह खाना खिलाया हमें, फॉर दैट मैटर अपने घर पे भी. बट बहुत अच्छा खाना बनाता है, आगे से थोड़ा इम्प्रूव करेगा अपना खाना, आई एम होपफुल. सो जब भी मैं आऊँगा तो चेतन के घर खाना खाने, आई एम होपफुल कि अच्छा खाना बनेगा. So that's my hair, that's my promise to everybody. कि ऐसा तरुण जी जी बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, that's you know means 14 hours journey only to towards Canada. So वो हम कभी भी अपना जाके मिल के आ सकते हैं and obviously हम लोग जाएंगे यार, that's another destination which has been added in our performance now. ऐसा ना हो होंडा स्टार्ट कर दे और गाड़ी में. नहीं नहीं obviously, पर मतलब दैट्स माय कमिटमेंट आल्सो. तरुण जी ढाई तीन साल बाद वापस कम बैक करने वाले हैं, ऑब्वियसली करेंगे करेंगे, आई एम 100% श्योर अबाउट इट. भैया बगली, आई थिंक चेतन इज द बेस्ट बिकॉज ही इज थिंकिंग अबाउट टू गो टू कैनेडा एंड वी विल कम सून. अरे डेफिनेटली, अरे आप सबके साथ ही, मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है जाने का, पर आप सबके साथ ही. एंड तरुण बेस्ट ऑफ लक एंड हियर एंड विल गो to Canada. Thank you very much. By the way, Chetan आया था मेरे office और कह रहा था जीजू flight कितने की है, मैंने बताया तो अच्छा मैं सोच रहा था अब चलो छोड़ो. फिर अभी परसों चेतन कहता, मैं चेरी ने कहा था फुकेट जाना है, मैंने कहा wonderful. चेतन ने मुझे snapshots भेजे कुछ, चेतन ने कहा इतने लाख का नुकसान हो गया, मैंने कहा अब चेरी को बोलूंगा हम फुकेट घूम आए. तरुण बेस्ट ऑफ लक, योर जर्नी विल बिकम वेरी सक्सेस. थैंक यू विजय जी के लिए हमारे सबने मिलकर जो है केक प्रेजेंट किया हुआ है, वो केक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. आइए चेरी जो हमारे कैमरामैन है उनको मैं बोलूंगा कि यहाँ केक की जो है तस्वीर अच्छे से ले लें. स्टेबल हो गए. सो वी आर गिविंग हिम अ गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक